महोबा जनपद के कस्बा जैतपुर की अग्रणी शिक्षण संस्थान मीना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रमों में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके सभी का मन मोह लिया। नित्य हास्य व्यंग से भरपूर कार्यक्रमों की अभिभावकों ग्रामीणों आगंतुकों ने खुले मन से सराहना की और बच्चों को पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, सीईओ कुलपहाड़ वंश नारायण, चौकी प्रभारी जैतपुर रुद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विद्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने बच्चों और सभी अभिभावकों व गणमान्य नागरिकों का आभार प्रकट करते हुए विद्यालय की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक व गैर कानूनी घोषित करते हुए रोक लगा दी थी। महोबा में पति ने फैसले का खुलेआम उल्लंघन करते हुए फोन पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया। मामले की तहरीर पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के समत नगर मोहल्ला निवासी सहना नवाज की शादी करीब 17 वर्ष पूर्व पनवाड़ी के काजीपुरा तालाब निवासी सैयद मोइन नईम के साथ हुई थी। तभी से ससुराली जन दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे, लेकिन दो पुत्रों की परवरिश को लेकर वह प्रताड़ना सहती रही। हद तो तब हो गई जब 3 दिन पूर्व मारपीट करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पति ने मोबाइल फोन पर तीन तलाक का फरमान सुना डाला। मेरा नाम सहना नवाज है। शादी कहाँ हुई थी? पनवाड़ी में मेरी शादी हुई थी। ससुराली जनों द्वारा मुझे बहुत सताया गया, मारपीट मेरे साथ की गई, घर से निकाला गया। मैं मायके में हूँ अभी। मुझे बहुत परेशान किया गया, मैं बहुत परेशान हूँ। इसके बाद 30 तारीख को उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए 3 तलाक लिखकर भेज दिया, मोबाइल पर आ गया। मैं तलाक नहीं चाहती हूँ, मैं घर पर रहना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी ना समझ है, उनको भी बहका लिया गया है मेरे खिलाफ़ और मुझसे छीन लिए गए हैं बच्चे। मुझे बच्चे और घर चाहिए। पीड़िता ने महिला थाना के अलावा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। इसमें ये एक महिला है शहना नवाज, इसने एक प्रार्थना पत्र दिया है हमारे यहाँ और उसमें उसने आरोप लगाए हैं कि मेरे पति और ससुराली जन मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। और क्योंकि मामला 498A से संबंधित है तो हम लोग का वही फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि हम लोग पति पत्नी को बुला के वहाँ परिवार परामर्श में दोनों का सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। अगर सामंजस्य नहीं बनता है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके उसमें आगे की कार्रवाई करें। और ये महिला अपने पति और बच्चों के साथ में रहना चाहती है, वो अभी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराना चाहती है, इसलिए दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया है और जो हमारी परिवार परामर्श की अगली तारीख लगी हुई है उसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया है। जैसा भी होगा उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। लंबे समय से संचालित अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 को रंगे हाथों दबोचा, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बकवाहा गांव में बनी कोठारी में लंबे समय से अवैध असलाह बनाने का कारोबार फल फूल रहा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। मुखबिर की सटीक सूचना पर कोतवाली के एसआई राधे बाबू और जैतपुर चौकी प्रभारी रुद्र प्रताप ने हमराही स्टाफ के साथ छापा मारा, जहां से नगौरा निवासी दशरथ राजपूत व खेमचंद पटेल को रंगे हाथों दबोच लिया, जबकि अवैध कारोबार में शामिल गांव का ही प्यारेलाल मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर बने व अतबने असलाह बरामद करने के साथ साथ उपकरण भी बरामद किए हैं।